Please subscribe my channel Reed Designs and press bell icon to see my all latest videos. Hello friends, welcome back. आज मैं आपको दिखाऊंगी प्लैकेट्स वाला नेक डिज़ाइन, जिसको कुर्ता पट्टी भी बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट. इसके लिए हमें तीरा चाहिए, 15 इंची यानी कि बैन वाला तीरा होगा, क्योंकि इसका नेक जो है शॉर्ट राउंड में बनना है. तो ये मुझे लंबा चाहिए, 17 इंचेस मैं ऊपर से लंबा लूंगी. तो मैं यहां पे मार्क कर रही हूं, मार्क करके मैं 16 इंची तक ये कट कर लूंगी, यानी कि 1 इंची कम तक कट कर लेना है मुझे यहां तक सेंटर में से, लाइक दिस. यू कैन सी ऐसे मैंने कट लगा लिया है बीच में. ये मैंने 16 इंच का ये कट लगाया है. अब इसके ऊपर पहले मैं प्लेकेट्स लगाऊंगी, देन आफ्टर नेक पलटूंगी. वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से पकड़ना है. ये ऐसे मैंने आयन करके ये पट्टियां रेडी की हैं. मैंने 3 इंच की पट्टी कट की है, तो मैं इसको ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे मैंने एक को ओपन छोड़ा है और एक को मैंने इंटरलॉक वाली सिलाई से बंद कर दिया है. ये दोनों तरफ से बंद हो चुकी हैं. सेम पट्टियां मैंने काटी हैं, 3 इंच की चौड़ी रखी है, तो ये 1.5 इंच आ जाएगी डबल फोल्ड करने के बाद. अब मैं सबसे पहले नीचे वाली पट्टी को इस तरीके से लगाऊंगी, ऐसे मैंने सीधी साइड पे लगानी है, देन आफ्टर मैंने ऐसे पलट देनी है, तो ऐसे आ जाएगी ये. अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से इसको अटैच करना है. अब यहाँ पे मैं इसके साथ साथ सिलाई लगा लूंगी. मैंने ऐसे एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है सारी. ऐसे मैंने अपने कट तक सिलाई लगा लेनी है, यानी कि 16 इंची तक. यू कैन सी मैंने अपने कट तक सिलाई लगा ली है. अब मैं इसको एक्स्ट्रा पट्टी को ट्रिम कर दूंगी इस तरीके से. 1 इंच की मैंने छोड़नी है नीचे पट्टी. यू कैन सी मैंने अपनी सिलाई से 1 इंच ज़्यादा रखी है पट्टी. अब मैं यहाँ से एक इस तरीके से और एक इधर से भी अपनी पट्टी वाली साइड से भी ऐसे कट लगा लूंगी, छोटे छोटे आधा आधा इंची के. ऐसे फिर मेरी पट्टी अंदर की तरफ चली जाएगी, तो ये ऐसे आ जाएगी. अब मैंने अंदर की तरफ पट्टी को पलट दिया है. यू कैन सी अब ऐसे मैंने पलट दिया है पट्टी को इस तरीके से. यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी किनारी की. ऐसे ही मैंने कट तक सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक, इसको फोल्ड करके. इस तरीके से हमारी वन साइड की पट्टी लग चुकी है. ये नीचे आएगी किनारी की सिलाई के साथ लग चुकी है ये. अब दूसरी वाली साइड में मैंने पट्टी अटैच करनी है. मैं इसको पलटूंगी, यानी कि ये मैंने शर्ट कुर्ती की उल्टी साइड से अटैच करनी है. अब यहाँ से ये मेरी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड. अब मैंने अपनी पट्टी को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे आधा आधा इंची का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है. मैंने ऐसे आधा आधा इंची का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है अपने कट तक. आप इस कुर्ता पट्टी के साथ कोई भी नेक रेडी कर सकते हो. आप अपनी पसंद का बैन भी लगा सकते हो. मैंने यहाँ पे शॉर्ट राउंड नेक रेडी करना है. इस तरीके से मेरी ये पट्टी फिक्स हो चुकी है. अब मैं सीधा करूँगी कुर्ती को और पट्टी को घुमा के इस साइड ले आऊँगी. यू कैन सी इस तरीके से आ जाएगी हमारी पट्टी. अब मैंने यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ आधा इंच फोल्ड करके
और जो अपना मार्जिन है मेरा सिलाई वाला, अब मैं इसको ऐसे ऊपर किनारे की सिलाई दे दूंगी फिनिशिंग के साथ। फिर ऊपर से घुमा के लगाएंगे तो वो सिलाई वाला मार्जिन जो है अंदर की तरफ चला जाएगा। अब मैंने ये वाली सिलाई यहां तक लगा ली है। अब मैं यहां से इसको यहां से ऐसे सिलाई लगाते लगाते, यू कैन सी, ऐसे आ जाएंगी ये। इस तरीके से मैंने यहां तक सिलाई लगाते लगाते, यहां पे आप कोई भी शेप दे सकते हो। अगर आपने ट्रायंगल देनी है तो आप ऊपर वाली पट्टी को इस तरीके से यहां पे ट्रायंगल शेप देके ऐसे भी स्टिच कर सकते हो साथ में। अगर आपने ट्रायंगल नहीं देना है, चौरस देना है, मैंने आपको बताया था मैंने 17 इंचेस तक पट्टी रेडी करनी है, तो इसलिए ये मैंने इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा रखी है। अब मैं यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाऊंगी। अब मैंने यहां तक सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको वी ड्रॉ करना दिखाऊंगी, यहाँ पे ड्रॉ करके किस तरीके से आप इसका कोना बना सकते हो इजीली। ऐसे मैंने ये 1 इंच की पट्टी है हमारी, मैंने आधे इंच पे इसको मार्क कर लेना है सेंटर लेते हुए। मैं यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस तरीके से मैं यहाँ पे वी ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे हमारा नीचे की तरफ ट्रायंगल बन जाएगा। आप अगर इसको चौरस भी रखना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ से नीचे से ट्रायंगल बना रही हूँ। यू कैन सी, मैंने ऐसे कुर्ता पट्टी को इस तरीके से लगाना है, फोल्ड करके यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। आप चाहो तो पहले इसके ऊपर रफ स्टिच भी कर सकते हो, और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। अब मैंने इस तरफ से जो मैंने सिलाई देनी है वो मैंने 3 इंची की देनी है। तो ऐसे हमारा परफेक्ट वी बन के रेडी हो चुका है, यू कैन सी। अब मैंने यहाँ पे 1-2 इंच ऊपर सिलाई लगा देनी है इसको फिक्स करने के लिए ऊपर वाले के साथ। यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। अब ये जो हमारी कुर्ता पट्टी है इस तरीके से पलटी जा चुकी है, यू कैन सी। मैंने ऐसे यहाँ पे भी स्टिच कर लिया है। अब ये ऐसे ओपन होगी, मैं इस पे काज और बटन का डिजाइन करूंगी। तो ये बैक साइड से ऐसे आ गई है ऊपर वाली, और नीचे से इस तरीके से। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये यहां से बैक साइड से किस तरीके से आई है, लाइक दिस। ये बैक साइड से भी फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब मैंने इसके ऊपर नेक अटैच करना है, यानी कि राउंड नेक। मैंने आपको बताया था मैंने शॉर्ट राउंड नेक बनाना है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने काज बनवा लिए हैं, यू कैन सी। ये ऐसे हमारे काज बन चुके हैं। अब मेरा यहां तक गला आ जाएगा राउंड। मैंने दोनों को अलग अलग करके गला बनाना है, यानी कि इस पे अलग आएगा, इस पे अलग, बिकॉज हमें ये ओपन करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ दो भागों में गले को किस तरह से काटते हैं और कैसे अटैच करते हैं। सबसे पहले मैंने ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक लिया है नेक के लिए। मैंने इसके ऊपर पेस्टिंग चिपका ली है। मैंने आपको कई बार पहले भी दिखाई है ये पेस्टिंग। अब मैं इसका बिल्कुल सेंटर ले रही हूँ, लाइक दिस। मैंने यहां से 1 इंच छोड़ना है। ये इसलिए है, जो हमारी आगे लाल वाली पट्टी है उसको ये कवर करेगा, 1-1 इंच, 1 इंच इधर का और 1 इंच उधर का। किस तरीके से मैंने सीधा सीधा मार्क कर लेना। अब मैं इसको स्केल से सीधा सीधा मार्क कर दूंगी, लाइक दिस। तो ऐसे ये जो हमारा ये पार्ट है ये हमारा लाल वाली पट्टी को कवर करेगा। अब हमने यहां से नेक लेना है हमारा, लाइक दिस। मैं अपना जो नेक है मैं 6 इंच ब्रॉड ले रही हूं। इस तरीके से मैंने ये वाली लाइन से 3 इंच मार्क करना है आगे। ऐसे मैंने 3-3 इंच को मार्क करते हुए जाना है। तो अब हमने ये 3 इंच मार्क कर लिया है ब्रॉड नेक की ब्रॉडनेस। अब यहां से हम डीप भी अपना ले लेंगे,
हमने कितना इंची डीप लेना है, यहाँ यहाँ से हम वो भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5.5 पे मार्क कर रही हूँ, 5 इंच हमारा रेडी आ जाएगा लाइक दिस। 5.5 पे मैंने ऊपर से 5.5 पे मार्क किया है। अब मैं बिल्कुल इसको सीधा सीधा मार्क करूंगी, डीप 5.5 और चौड़ाई 6 इंच नेक की। इस तरीके से लेते हुए मैंने इसको सीधा सीधा मार्क कर लेना है, ताकि जो हमारा नेक है वो हमारी मार्किंग के अंदर अंदर ही आए। इस तरीके से मैं इसको मार्क करूंगी। अब यहां से मैंने इसको हल्की सी राउंड शेप देनी है, आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं इसको। मैंने ऐसे इसको राउंड शेप दी है। इस तरीके से मैंने अपनी मार्किंग को डार्क कर लिया है। अब मैं ये जो मेरा सेंटर है, ऐसे मैंने सेंटर को भी मार्क कर लेना है। अब मैं यहाँ पे ऐसे इसको पलट दूंगी बिल्कुल सेंटर में से। इस तरीके से हमने इसको सेंटर में से पलटना है। तो ऐसे हमारा दूसरी तरफ भी सेम मार्क हो गया है, यू कैन सी। तो हम इसको भी डार्क कर लेंगे ऐसे ऐसे। मैंने इसको भी डार्क कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हमने ऐसे दोनों तरफ से मार्क कर लिया है। अब मैं बिल्कुल इसके साथ साथ एक एक 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लूंगी। मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूं टोटल, ऐसे मैंने इसको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं यहां से इसको फोल्ड कर दूंगी लाइक दिस। तो ऐसे मैंने सिलाई लगा लेनी है इसको फोल्ड करते हुए। अगर आपने बुकरम भी लेनी है तो इसी साइज की लेनी है। मैं यहाँ पे पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको सेंटर में से कट कर दूंगी, जो दोनों साइड में मैंने 1-1 इंच का मार्जिन लिया है। अब इसको मैं इस तरीके से, जो 1 इंच का मार्जिन है वो मैंने आगे की तरफ रखना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं आगे की तरफ 1 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरफ। अब मैं यहाँ पे एक रफ स्टिच कर दूंगी। बिल्कुल यहाँ पे, ताकि जो हमारा नेक है वो हिले ना। अब मैंने यहाँ पे अपनी मार्किंग के साथ साथ यहाँ तक सिलाई ले आनी है। इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी अपनी मार्किंग के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको कट करूँगी, वही 1 या 2 पैर का मार्जिन लेते हुए मैं इसको कट कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसको पलट दूँगी, तो ये हमारा 1 साइड से नेक रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी कर लेना है। ये जो मार्जिन है हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो पीछे से भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक रफ स्टिच कर दूंगी हेमिंग के लिए। इस तरीके से मैंने नेक को बिठाते हुए रफ स्टिच कर देनी है। ऐसे मैंने 1 इंच के मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, यू कैन सी। ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो हमारी बैक साइड से भी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ऐसे हमारा 1 साइड का नेक रेडी हो चुका है, यू कैन सी। ये इस तरीके से आ गया है पीछे से भी। अब मैंने दूसरी साइड का भी सेम वैसे ही सिलाई लगा के पलट देना है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन को आगे की तरफ रखना है पट्टी के, जैसे मैंने पहले नेक में किया है। ये अब मैंने इस साइड का भी नेक पलट लिया है। ये हमारा नेक रेडी हो चुका है।
तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा काजोर बटन। अब यहाँ पे मैं बटन्स लगा दूँगी। ऐसे हमारा नेक रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं, ये काज है तो यहाँ पे मैं बटन्स लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स ऐसे मैंने बटन्स भी लगा लिए हैं। इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने ये बटन्स बंद करके रखे हैं, आप इसको जितना चाहे खोल सकते हो। तो इसको नेक शॉर्ट होने की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इजीली आप वेयर कर सकते हो इसको। और ये पहना हुआ बहुत स्मार्ट लुक देता है। ये नेक आजकल काफी ट्रेंडी है, आप इसको विदाउट दुपट्टा भी वेयर कर सकते हो ऐसी कुर्ती को, अगर ये शॉर्ट नेक के साथ ऐसे रेडी हुआ होगा तो कुर्ता पट्टी के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रीड डिजाइन। थैंक यू।